तो जब भी सैलाब आते हैं ना शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, और माशाल्लाह ये बड़े इनको बड़ी खुशी होती है, इनकी ईद हो जाती होती है। और ये इनकी ईद इसलिए होती है क्योंकि ये भाई से माशाल्लाह पैसा मांगते हैं, इसकी मजबूरी बन जाती है। सारी ज़िंदगी मांग मांग के गुजारा थोड़ी किया जाता है यार, हमें खुद भी, हम एक गैरतमंद बंदे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये कौम का लीडर नहीं था, ये पूरी दुनिया का लीडर था और मुसलमान का लीडर था। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा यासिर। मिर्ज़ा यासिर माशाल्लाह। किसके सपोर्टर हैं आप? हम तो यार, हम सपोर्टर तो किसी के नहीं हैं, लेकिन दिल की जान जो है ना हमारी, वो इमरान खान है। मुझे तस्वीर में नज़र आ रही है। तस्वीर में नहीं है, लेकिन ये तो हमारी वाकई जान है इमरान खान साहब। तो ये जो साथ बैठे हुए हैं ना, ये तो मुझे बेचारे बड़े शरीफ और शरीफ ख़ानदान से लगते हैं, मुझे देखे देखे पहचाने पहचाने से लग रहे हैं। और ये तो इसका चेहरा भी बता रहा है कि ये बहुत बेचारा मस्कीन है, मजबूरी है इसकी मांगना, तो ये हमेशा टेंशन में रहता है। जब ये टेंशन में रहता है तो आवाम कितनी टेंशन में रहती होगी। नवाशी साहब के शुभाशी शुभाशी साहब नवाशी साहब तो बड़ा हटा खट्टा जवान आदमी है, ये टेंशन ही लेता, ये टेंशन ही डालता है। ये दूर से बैठ के जो ऐसी गेम फेंकता है टेंशन वाली, कि बंदा ना टेंशन में रहता है हमेशा। तो इस तरह दूर बैठ के गेम को खेलना, ये बच्चों का काम है, बड़ों का काम नहीं होता। अच्छा मुझे बताएं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान 75% दिवालिया के करीब आ चुका है, इसकी वजह कौन? 85% 85 हो गए 85 ठीक है। मेरे ज़राए के मुताबिक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो ये तो बड़ा एक ख़तरनाक घंटी है, लेकिन ये इन सियासतदानों की वजह से ही है, और कोई खलाई मुल्क तो नहीं आएगी जो इसको इस यहाँ तक लेकर आई है। आप देखें ये तस्वीरें नज़र आ रही है, एक जो आप जो कह रहे हैं मेरी जान है, इन्होंने भी हुकूमत की है, और दूसरे जो ये शरीफ खानदान में से हैं, इन्होंने भी किया है। आप इन दोनों में से किसको समझते हैं कि ये इनमें से वजह कौन? नहीं, जो अगर हम इमरान खान की बात करें ना, एक तो खुदाई आफत आई थी कोरोना के दिनों में, ये बंदा रिंग नहीं कर सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो किया है ना, शायद ही कोई इस मुश्किल टाइम में कोई कर पाता। और जितने इन लोगों ने 30 साल की बारियां नहीं है, ये भी शायद अगर होते ना, इनके दौर में अक्सर ये सैलाब ही आ जाते हैं। तो जब भी सैलाब आते हैं ना शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, और माशाल्लाह ये बड़े इनको बड़ी खुशी होती है, इनकी ईद हो जाती होती है। और ये इनकी ईद इसलिए होती है क्योंकि ये भाई से माशाल्लाह पैसा मांगते हैं, इसकी मजबूरी बन जाती है। तो ये पैसा इतना इन्होंने हड़प किया कि खुदा की कसम इतनी शर्म आती है, और इतना अफसोस होता है, इतना रहम दिल तरस आता है दिल से, कि यार जितनी भी हमारी यहाँ पर जो फ्लड जो आया, उसमें लोगों को एक भी घर नहीं मिला यार, बड़ा अफसोस की बात है जी। काम नहीं हुआ, डोनेशन काफ़ी मिली? डेफिनेटली यार, ये देखो सारी ज़िंदगी मांग मांग के गुजारा थोड़ी किया जाता है यार, हमें खुद भी, हम एक गैरतमंद बंदे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें भी गैरत आती है यार, कि हम अपना देख चले, अपनी चादर फैला के चले। आपके कहने का मकसद ये है कि वजह नवाशी साहब? वो तो कोई वजह नहीं यार, देखो आप 3 साल बंदे को जो है ना, वो नहीं ये दे सकते कि आप उसको जो है ना बिलीव दे सकते हैं कि यार ये गुनाहगार है, लेकिन इसको आपने टाइम भी तो नहीं दिया, मौका भी नहीं दिया। अब सारे एक जैसे मिल गए हैं, रल गए हैं, तब आप वही टाइम था जब आप लोग एक दूसरे को गालियाँ देते थे। अब इस बेचारे को, इतना खूबसूरत इंसान को आपने परेशान करके रखा, आटा चीनी में फंसा कर रखा, ये कौम का लीडर नहीं था, ये पूरी दुनिया का लीडर था और मुसलमान का लीडर था। और जो फिर अक़वामे मुत्तहिदा में जितनी इसने मेरे ख्याल से तकरीर की अपने नबी के लिए, हमारी शान के लिए, मुसलमान के लिए, मेरे ख्याल से कोई ऐसा लीडर नहीं आया। इन सोचना चाहिए, हमारी ताकतों को भी सोचना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? बेहतरी इसका आसान, सबसे अच्छा हल यही है कि इलेक्शन करवाएं, उसके बाद फिर बेहतरी जैसे कोई हुकूमत आगे आए। अच्छा, हुकूमत करेगी यानी इलेक्शन करवा के दिवालिया में कमी आएगी? डेफिनेटली कमी आई, क्योंकि देखें इतने बड़े बड़े मगरमच्छ मिल के भी पूरा दिवालिया को ठीक नहीं कर पा रहे, तो फिर जहरी बात इलेक्शन ही बनते हैं, फिर जो भी हुकूमत एक यकतरफा बनेगी तो वो अच्छा काम करेगी, जहाँ तक हम समझते हैं। डेफिनेटली जब कोई बंदा हुकूमत में आता है, वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ आता है और पूरे निभाता है। फिर आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत है? अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की फजल करम से, और अल्लाह ताला की हुक्म से, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशा ताला ज़रूर इमरान खान साहब की हुकूमत होगी और पूरे पावर के साथ आएगा। और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि जितनी कोशिश हो सके कि इतने ज़्यादा उसको वोट दें, जो भी चूड़ा, अगर कोई चूड़ा भी खड़ा हो ना किसी मोहल्ले में, तो उसको भी वोट डालें अगर इमरान खान ने खड़ा किया हुआ। ये की तरह से जो भी खड़ा हो, चाहे वो कुत्ता भी खड़ा कर देना, तो उसको भी वोट देना चाहिए। ये अवाम को मैं मैसेज दे रहा हूँ, तो अवाम को चाहिए कि जितना ज़्यादा जो है ना, जितना ज़्यादा चाहिए
कि इस चीज़ को फोर्ड करें इमरान खान, ताकि वो जो है ना बेहतर हो सके सब कुछ, फिर ही वो अच्छे काम कर सके। वैसे ही वो तो बिलहाल ऐसे नहीं काम हो सकता। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, अस्सलाम।